smile his way. Hi guys, good morning तो नहीं, good afternoon. अभी बज रहे हैं दिन के 12 और मैं जा रही हूँ अपनी साड़ी पीको कराने. ये हमेशा मेरे साथ होता है. मेरी ड्रेस कभी पूरी तरह से रेडी नहीं होती है. दिल्ली होती हूँ तो मुस्कान परेशान होती है और इधर आई हूँ तो ये परेशान हो रही है. तो ये मुझे लेकर जा रही है मेरी साड़ी पीको कराने. तो आज हम लोग जाने वाले हैं मंदिर. यहाँ वैष्णो देवी मंदिर है और इस्कॉन टेम्पल जाएंगे. सो गाइस, मुझे 15 मिनट हो गए पूरे घूमते घूमते, है ना वेदिका? यस. कुछ भी नहीं मिला. टेलर मिला तो उनकी मशीन खराब थी. पागल हो चुके हैं हम. फिर से अपनी साड़ी ले घूम रहे पूरी सोसाइटी में. हाँ, एक बिल्डिंग अभी मिली है ए, उसमें जाके देखते हैं. अगर हमें मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हाथों से जुगाड़ करना पड़ेगा. बट आज साड़ी पहन के रहूंगी मैं नहीं बिना साड़ी के जाऊंगी. सो गाइस, फाइनली मुझे मिल गए टेलर और अब मेरी साड़ी पीको हो रही है. सो गाइस, पीको तो हो गई और हम हो चुके हैं बहुत ही गंदे वाला लेट. मामा से पढ़ने वाली है मुझे धड़क्के की डांट. मेरा हमेशा का लोचा रहता है कपड़ों का, वरना कुछ ना कुछ ना कुछ. तो बस अब मैं जा रही हूँ ऊपर रेडी होने. बट रेडी होने से पहले डांट जरूर खाऊंगी, वो मैंडेटरी है मेरे लिए. डोज. हाँ. सो गाइस, मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ मेरा स्किन केयर. जल्दी रेडी होना है मुझे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है एज यू नो. सो गाइस, हम मंदिर में एंटर कर चुके हैं. मामी, वेदिका, परी सब, मामा भी गाड़ी चेक करने गए हैं. तो हम अंदर अभी जाके देखते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं. लोग दर्शन कर रहे हैं, अभी हम भी अंदर जाते हैं. गाइस, यार फोन तो लाउड नहीं है बट मैं चोरी छुपे बना रही हूँ वीडियो. चलो. हाँ, ये है छोटी छोटी गुफाएं माता रानी की. ये मजा आ रहा है वेदिका? जय माता दी. जय माता दी. छोटी सी गर्भ गुफा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. ये क्या है? अरे हाँ झूलते हैं. वेदिका को बहुत दिक्कत हो रही है. अरे मैंने तो साड़ी पहन रखी है. बहुत ही छोटी सी गुफा थी, जस्ट लाइक रियल वन. वेदिका तो बड़ी गई थी. और ऊंचाई पे जा रहे हैं हम. और देखो सिटी कितना दूर. हाँ, सिटी से बहुत दूर है. ये माता रानी नीचे देखते अभी गिरती में. साइकिलिंग ये मस्त है. यहाँ से स्टार्ट होती है भैरव बाबा की परिक्रमा. ये है भैरव बाबा का मंदिर, इसके आगे भैरव बाबा की गुफा. यहाँ से हम नीचे जाएंगे दर्शन के लिए. ये माता चंद्रघंटा, माता कूष्मांडा, श्री सकंद माता, कात्यानी माता, कालरात्रि देवी, महागौरी. ये है सिद्धिदात्री. हमारे दर्शन बहुत अच्छे दर्शन हुए गाइस. हमारे वैष्णो देवी के दर्शन हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल. कैसी थी गुफा? बहुत मजेदार. मैं को लेट कर जाना पड़ा. वेदिका का तो बिल्कुल माता रानी ने पूरा एग्जाम लिया है ना. लेट कर पूरा लेट ले. जीजू आते तो अगर गुलजार ने आना था ना तो फिर बस लेट जाते. वो तो एकदम माता रानी उन्हें अच्छे से उनका और ज्यादा टेस्ट लेती. पेट अड़ता, पैर अड़ते, सर भी अड़ता उनका ऊपर छत पे. चलो. वाओ, डोनट्स कैफे. ये कुछ है क्या? ये है आर्केड वर्ल्ड. गो कार्ट वगैरह यहाँ सारी गेमिंग जोन है आई थिंक. पैलेडियम मॉल. यहाँ की मेट्रो का कलर गाइस ऑरेंज एंड वाइट है. अपने यहाँ तो ब्लू, येलो, पिंक सब कलर रखती है. ऑरेंज एंड सिल्वर. और अब हम जा रहे हैं लियो का. आ चुके हैं इस्कॉन टेंपल. तो लोकल बस भाग गई. आंटी अंकल वेट करते रह गए. परी दिमाग खा रही है कि मुझे ये दिला दो वो दिला दो. पापा के बटरिंग कर रही है अपने पापा को. हाँ, कान्हा जी की ड्रेस लेंगे हम जाते हुए. ये रहा हमारा मंदिर का द्वार.
वाओ, मेरी यादें ताजा हो गई, मैं यहाँ बहुत आई हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत पीस है, ये रहे राधा रानी कृष्ण जी। इसके अंदर बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, मनुष्य का बुकलेट है। बुकलेट जैसे आप कुछ भी चीज लेते हैं उसके साथ मैनुअल एक बुक आता है, ऐसे ही मनुष्य जीवन जीने के लिए ये बुकलेट है। तो हमारी दीदी क्या नाम है, माही दीदी आ रही है और गीता पढ़ेगी और कुछ लोग जानेगी और गीता में क्या लिखा है और वो समझेगी। इस रिक्वेस्ट है दीदी को ये गीता लेके डेली एक श्लोक पढ़े, उसको समझना है, पढ़ना नहीं समझना है तो जीवन सफल हो। हरे कृष्ण। दीदी अच्छी है, माही दीदी आई है, कहाँ से है दीदी? दिल्ली से। चलो दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं इसलिए अच्छे। तो ये जो मैं चीज दे रहा हूँ दीदी को, डेली हर एक इस्कॉन मंदिर के अंदर मंगला आरती होता है। क्या मंगला आरती? सुबह 4:30 बजे आरती होने के बाद भगवान को परफ्यूम, ये परफ्यूम है वो भगवान को अपनी होता है, राजा कृष्ण को टच करके तो हर एक को देते हैं और मेरे पास रहता है तो ऐसा हाथ करना है। मैं आपको देता हूँ, बताओ कैसा लगता है? ऐसा कहा जाता है, ध्यान से सुनना है कि जो जो इस मनुष्य जन्म जो सुंदर होते हैं ना, सुंदर दिखने में, वो कहाँ से आते हैं पता है? एक एग्जाम्पल हमारी दीदी, देखो उनका स्वभाव, उनका सुंदरता सब कुछ सुपर है। क्यों पता है? उसका रीजन है क्योंकि आप स्वर्ग रिटर्न। क्या है स्वर्ग रिटर्न? ओह माय गॉड, मैं स्वर्ग रिटर्न। ऐसा शास्त्र में लिखा है। अच्छा अच्छा दीदी, ये ऐसा है, दीदी अच्छी है और आई है सही जगह पर आई है। इतना शांति मिली है ना मन को, बहुत ज़्यादा मन को शांति मिली है। और मैंने वहाँ से भगवत गीता भी ली है और मुझे वहाँ से भैया ने गिफ्ट भी दिया है, बहुत अच्छा लगा। दर्शन तो कर लिए, अब हम खाने जा रहे हैं खिचड़ी का प्रसाद, बहुत टेस्टी होता है। प्रसाद खा लिया, अब जा रहे हैं हम बर्तन धोने। सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस। और रन वेलकम कर रहे हैं नजारे। गाइस बारिश हो गई थी, हमें जल्दी जल्दी भागना पड़ा प्रसाद खा के, प्रसाद बहुत ज्यादा टेस्टी था। और अब हम जा रहे हैं घर वापस, चेंज करूंगी क्योंकि मैं थोड़ी सी गीली हो चुकी हूँ, फिर उसके बाद हम जाएंगे डिनर पे। बैक टू होम। सो अब हम चेंज करेंगे ठीक है, और फिर थोड़ा सा रेस्ट भी करूंगी और फिर जाऊंगी डिनर पे। तो हे गाइस, हम डिनर के लिए आ गए हैं, थक गए थे बहुत, थोड़ा सा रेस्ट किया, चेंज वेंज किया और अब हम सब आ गए हैं। तो जाते हैं अंदर रेस्टोरेंट में और पेट पूजा करते हैं। पेट पूजा करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ डिशेज अंदर क्या क्या होंगी। बाबा ने कहा था बहुत सारा, इतना बड़ा मेन्यू है ना, बहुत ही बड़ा, अनलिमिटेड है, खाओ खा के पेट फाड़ लो अपना। चूहे लग रहे क्या कह रही है मेरी, क्या लग रही है पेट में? लग रही है पेट में, चूहे कूद रहे हैं, कूद रहे हैं। Let's enter. Guys, हमें मिल चुकी है सीट, ये बैठ गई मामी और परी। मामा यहाँ गपशप कर रहे हैं, मैं आपको अंदर का सारा घुमा कर दिखाती हूँ। ये देखो टूट के पड़े हैं खाने पे लोग। ये है अंदर का एम्बियंस, कचर पचर कचर पचर हो रही है। सेल्स ऑफिस है,
अनलिमिटेड, जो मर्जी खाओ। एंड गाइज आप लोग गेस करके बताइएगा कि पर प्लेट कितना होगा यहाँ का अमाउंट। आई वॉज शॉक जब मुझे मामा ने बताया कि ये अमाउंट है। आई वॉज लिटरली शॉक, है ना परी? आई वॉज शॉक ना। मामा को ट्राई कराओ। इतने कम में भी आप इतना कुछ जो बचा ले रहे हो, ये होलसेल होलसेल जैसा बिजनेस। एक दिल्ली में भी खोलो। हाँ, लिटरली वी लाइक इट। आप जगह दिखाओ, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, आ जाते दिल्ली भी आ जाते। पक्का? हाँ। चलो ठीक है। इतने में बच जाता है? अरे बहुत बचता है। अच्छा, बच जाता है? नहीं, बहुत बचता है। अरे वाह। और आपका ये जितना भी स्टॉक होता है ये खराब नहीं होता? ये खराब नहीं होता, जितना भी स्टॉक आपका बनता है पूरा फिनिश हो जाता है? कैलकुलेट करा हुआ है। गाइस डिनर हो गया, सच में मेरा पेट फट रहा है, आई कांट टेल यू। बस ऐसा हो रहा है मैं मर जाऊंगी, इतना ज्यादा खा लिया। बेटी का कितना खाया तूने? मैंने सबका खाया। इसने अपना पूरा पैसा वसूला है, बट मेरे से इतना नहीं खाया गया। मैंने प्लेट में जो लिया था उसमें से भी थोड़ा सा छोड़ दिया, बाकी वेस्टेज किया सबने। वेस्टेज क्या यार, पेट में जितनी जगह होगी उतना ही तो खा पाएंगे ना। और आप लोगों को कैसा लगा मामा? एकदम मजा आ गया। ये मैं उनको बोल के आया कि दिल्ली में भी खोलो। मामी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। परी? बहुत अच्छा। मजा आया ना? और प्राइस यू वोंट बिलीव गाइस, इतना रीजनेबल प्राइस में अनलिमिटेड खाना, ओ माय गॉड। आई वाज शॉक जब मामा ने बताया ना कि ये अमाउंट है पर पैक्स। लिटरली बहुत अनएक्सपेक्टेड था, सोच भी नहीं सकते थे। आप लोग भी कभी आओ तो ये बड़ी पिज्जा में जरूर खाओ। हाँ जरूर आना, यहाँ एक बार तो विजिट करना बनता है। खाना पीना टेस्ट में बहुत अच्छा है और रीजनेबल भी है, अफोर्डेबल भी है। सो गाइस घूमना फिरना हमारा हो गया, आज का दिन कैसा रहा बेटा? बहुत अच्छा और बहुत हेक्टिक। बहुत हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं हम दोनों क्या, हम सभी, सभी। परी तो गाड़ी में सो गई थी। तो अब हम मिलते हैं इन नेक्स्ट व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया लाइक तो करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कॉमेंट भी करना। हाँ। और मुझे ना वो जो हमने अभी डिनर किया ना उसका प्राइस जरूर गेस करना। हाँ। मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। बहुत अनएक्सपेक्टेड है, सीरियसली कोई गेस नहीं कर पाएगा, सो अनएक्सपेक्टेड। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। टिल देन टेक केयर गाइस, मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।